हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास प्लस टू यूनिट नंबर थ्री के लेक्चर नंबर 17 में हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एनएमीटर। तो सबसे पहले आज हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि प्रॉब्लम नंबर वन में If the current sensitivity of a moving coil galvanometer is increased by 20%, its resistance also increases by 1.5 times, how will the voltage sensitivity of the galvanometer be affected? तो अब इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको मूविंग कॉयल गल्वेनोमीटर पे पकड़ होनी चाहिए ना आपकी। तो मूविंग कॉयल गल्वेनोमीटर जो टॉपिक किया था उसमें आपने देखा था कि एक होती है करंट सेंसिटिविटी और एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। और वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी, इन दोनों का क्या रिलेशन था? ये था, दिस वन वीएस वोल्टेज सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आईएस करंट सेंसिटिविटी को, और आर रेजिस्टेंस है ना। अब यहां पर जब करंट सेंसिटिविटी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो जब करंट सेंसिटिविटी बदल गई, रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस बाय, तो रेजिस्टेंस भी बदल गई, तो जो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो चेंज होगी ना। अब हमने क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन द वोल्टेज सेंसिटिविटी है ना, उसके लिए क्या करेंगे हम? हंड्रेड परसेंट तो ये निकालना है हमने अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। अब यहां पर अगर आप इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे तो अगर आप इक्वेशन टू को वन से डिवाइड करके यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो वी एस डैश और वी एस की जो रेशियो आएगी वो कितनी बनेगी? आई एस डैश बाय आर डैश, तो ये आ गया ना यूजिंग इक्वेशंस वन एंड टू। अब यहां पे आपने क्या नोट करना है कि जो आई एस डैश की वैल्यू है ना, जो करंट सेंसिटिविटी है, न्यू करंट सेंसिटिविटी, तो वो इनिशियल से 20% ज्यादा है ना, आई एस प्लस 20% ज्यादा है ना। तो इसका मतलब आई एस डैश बाय आई एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/5। और इसी तरह से जो नई रेजिस्टेंस है आर डैश, वो 1.5 times ओल्ड रेजिस्टेंस है ना। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो 6/5 और आर डैश की वैल्यू क्या है? 1.5 R है ना, तो इंटू और यहां पे माइनस वन है ना, तो ये इंटू 100%। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो 4/5 माइनस वन इंटू 100%। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, कितना आएगा? -20%। तो इसका मतलब इस केस में जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है दैट इज डिक्रीज्ड बाय, नेगेटिव आने का मतलब है
कि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है दैट इज डिक्रीज्ड बाय 20%। गॉट इट? तो ये बात आपको समझ होनी चाहिए ना। अब यहां पे देखिए प्रॉब्लम नंबर टू में, ए गैल्वेनोमीटर हैविंग 30 डिवीजन हैज ए करंट सेंसिटिविटी ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, इट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर अप टू 1 एम्पियर। अब यहां ध्यान देना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है आपकी, 30 डिवीजन है ना, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर 30 डिवीजन है ना। अब करंट सेंसिटिविटी लिखा हुआ है बट ये 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, ये बेसिकली फिगर ऑफ मेरिट दी हुई है आपको ना, ये समझना पड़ेगा स्टेटमेंट से, यूनिट से आपको। तो ये बन गया 20 × 10⁻⁶ एम्पियर पर डिवीजन। तो अगर आप एन और के को मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या आएगा, टोटल फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है ना, तो वो बन गया 20 × 10⁻⁶ इंटू 30 एम्पियर है ना। तो ये आईजी की वैल्यू आ गई। और हमने तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हमें जी क्या दी हुई है, 25 ओम, और हमने इसको कन्वर्ट करना है एम मीटर अप टू 1 एम्पियर है ना। तो जो रेंज ऑफ एम मीटर है मैक्सिमम करंट वो 1 एम्पियर है ना। तो अब इसके लिए आपको क्या मालूम होगा कि शंट हैज टू बी कनेक्टेड। तो शंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जी I over Ig minus 1। तो अब G भी गिवन है, I की वैल्यू गिवन है और Ig की वैल्यू वो हमने निकाल ली है ना। तो यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करके S की वैल्यू निकाल सकते हो ना। तो ये आपने सॉल्व करना है। अब यहां पे देखिए आप प्रॉब्लम नंबर 3 में कि व्हेन ए गैल्वेनोमीटर हैविंग 30 डिवीजन्स स्केल एंड 100 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट। तो ये गैल्वेनोमीटर है, बेसिकली गैल्वेनोमीटर क्या है, एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 100 ओम दी हुई है। अब इसके साथ हमने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट की जिसका ईएमएफ क्या है, 3 वोल्ट, और सीरीज में साथ में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 200 ओम। तो अब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है ना, तो इट मींस अभी इस सर्किट में जो करंट होगा ना वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन आईजी है ना, किसके बराबर, ई ओवर टू हंड्रेड प्लस 100 IG की वैल्यू आ गई ना। अब नंबर ऑफ डिविजन क्या है, 30 डिविजन है ना, तो फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है मालूम है ना। तो अब K और N का प्रोडक्ट IG होता है, तो अगर K और N का प्रोडक्ट IG है तो K क्या होगा, पर डिविजन, ये आंसर आ गया ना। अब अगर आप इस आंसर को, उसने बोला हुआ है माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन में कन्वर्ट करने के लिए इसको ना ये 10⁻⁶ के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना। तो अब आपका आंसर 10⁴/30, 10⁻³/3 है ना। तो ये आंसर आ जाएगा, समझ आई बात। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 की, कि इन एन एमीटर 0.2% ऑफ द मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो अब आपको यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ एमीटर
याद आनी चाहिए ना कि गल्वेनोमीटर के साथ जब हम पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो कनेक्ट करते हैं, तो जो डिवाइस है दैट इज कन्वर्टेड इनटू गल्वेनोमीटर, जो है वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है ना। अब उसने क्या बोला है कि इन एन एमीटर 0.2% ऑफ द मेन करंट। तो अगर ये मेन करंट मानने आई, तो इस मेन करंट का 0.2% जो है ना वो गल्वेनोमीटर से पास कर रहा है। तो अब जो आईजी की वैल्यू दी हुई है ना, वो 0.2% ऑफ आई है ना, ठीक है ना। तो अब हमने रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर निकाल लिए। अब रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, क्योंकि एमीटर जी और एस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो वो ये वैल्यू से आएगा ना। गॉट इट। अब इसके लिए यहां देखिए आप, जो एस की वैल्यू है वो क्या होती है, जी आई बाय आई जी माइनस वन। अब आई बाय आई जी की वैल्यू क्या है, अब यहां से देखिए आप, क्योंकि आपको आई जी क्या दिया हुआ है, 0.2%। तो इसका मतलब आई बाय आई जी की वैल्यू क्या होगी, तो 100/0.2, तो 500 आ गया ना। तो एस की वैल्यू आ गई ना। अब हमें चाहिए आर ए की वैल्यू। तो इस इक्वेशन में आप जी है, एस की वैल्यू तो ये इसको सॉल्व करोगे आप, तो जी बाय 500 आ जाएगा ना आंसर। गॉट इट। अब यहां देखिए आप, प्रॉब्लम नंबर 5 में एक गल्वेनोमीटर हैज ए सेंसिटिविटी ऑफ 60 डिवीजन पर एम्पियर। अब ये करंट सेंसिटिविटी है ना, क्योंकि डिवीजन पर यूनिट करंट दिया हुआ है ना, तो ये करंट सेंसिटिविटी दी हुई है। तो अब यहां से हम फिगर ऑफ मेरिट के निकाल सकते हैं ना, गल्वेनोमीटर की क्या होगी, 1/, जब गल्वेनोमीटर के साथ शंट कनेक्ट किया तो वो एमीटर बन चुका है ना, तो उसकी करंट सेंसिटिविटी 110 डिवीजन पर एम्पियर होगी। मींस अब फिगर ऑफ मेरिट एमीटर की कितनी हो चुकी है, अब शंट निकालना है अगर रेजिस्टेंस ऑफ गल्वेनोमीटर हमें दी हुई है ना। एस की वैल्यू एक तो ये होती है ना आई ओवर आई जी माइनस वन, तो इसको हम फिगर ऑफ मेरिट की टर्म में भी लिख सकते हैं ना, के ए बाय के, जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कन्वर्जन ऑफ गल्वेनोमीटर इनटू एनेमीटर में ना, तो वहां से आप निकाल सकते हो। तो जी की वैल्यू 20 है और के ए बाय के की रेशियो क्या आएगी, तो 1/10/1/60, तो 6 आ जाएगी ना। तो 4 ओम अगर शंट कनेक्ट करते हो तो हमें रिक्वायर्ड एमीटर मिलेगा, है ना। तो ये तो थी कि कुछ प्रॉब्लम्स जो हमने मूविंग कॉइल गल्वेनोमीटर या फिर कन्वर्जन ऑफ गल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर के ऊपर बेस्ड थी। अब हम बात करने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ गल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर।
अब सबसे पहले जो क्वेश्चन पैदा होगा, व्हाट इज वोल्ट मीटर, है ना? तो वोल्ट मीटर जो है वो क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इज यूज टू मेजर, इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए ये डिवाइस काम आता है। अब जब हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की, अगर आइडियल वोल्ट मीटर की बात हो रही है ना, आइडियल वोल्ट मीटर है, इट पोजेसेस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और जो रियल वोल्ट मीटर है इट पोजेसेस हाई रेजिस्टेंस। गॉट इट? तो जो आइडियल वोल्ट मीटर है उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी, और जो रियल वोल्ट मीटर है इट पोजेसेस वेरी हाई रेजिस्टेंस। अब जो वोल्ट मीटर है ये कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? तो बेसिकली जो गल्वेनोमीटर है, जब हम गल्वेनोमीटर की बात करते हैं ना, तो गल्वेनोमीटर की अपनी रेजिस्टेंस है स्मॉल जी। गल्वेनोमीटर की जो मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है आई जी, गल्वेनोमीटर की जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज है वो वी जी है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो गल्वेनोमीटर है ना वो मैक्सिमम कितना करंट सेफली मेजर कर सकता है आई जी, और गल्वेनोमीटर कितनी सेफली वोल्टेज बता सकते, मीन्स गल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितनी सेफ वोल्टेज पैदा अप्लाई कर सकते हैं वो वी जी है ना। अब अगर हम गल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज रेंज को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना, विदाउट चेंजिंग आई जी। अब पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर आप गल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपने कैसे सोचना है कि हमने गल्वेनोमीटर की करंट रेंज को बढ़ाना है विदाउट चेंजिंग इट्स वोल्टेज रेंज। तो जब हम कहते हैं कि हमने गल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तब हमने कैसे सोचना है कि हमने गल्वेनोमीटर की जो वोल्टेज रेंज है उसको बढ़ाना है विदाउट चेंजिंग इट्स करंट रेंज। अब आपके माइंड में ये फार्मूला आना चाहिए ना, वी इज इक्वल टू आई आर। तो अब अगर आप गल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हो तो उसके पीछे पर्पज क्या है कि हमने वोल्टेज रेंज को बढ़ाना है, मीन्स वी को बढ़ाना है विदाउट चेंजिंग करंट। तो इसका मतलब आर को बढ़ाना पड़ेगा ना। तो सर्किट में रेजिस्टेंस कैसे बढ़ती है कि जब हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट करें। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप गल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद गल्वेनोमीटर, ठीक है? तो हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, मतलब अगर ये गल्वेनोमीटर है तो इसके साथ हाई रेजिस्टेंस जिसको हमने आर मान लिया वो कनेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने गल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट की तो ये डिवाइस बन गया वोल्ट मीटर। बट अब आप नोट कर रहे हो क्योंकि यहां पे गल्वेनोमीटर और हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो अब इस सर्किट में जब भी करंट पास करेगा और जी और आर का करंट सेम रहेगा। अब जी में मैक्सिमम करंट सेफ करंट कितना पास कर सकता है, आई जी। तो इसका मतलब इस सर्किट में मैक्सिमम करंट जो है वो आई जी ही पास करेगा। अब जब इस सर्किट में मैक्सिमम करंट पास कर रहा है तो ये वोल्टेज भी मैक्सिमम ही होगी ना। तो ये हमने वोल्ट मीटर बनाया, ये मैक्सिमम कितनी वोल्टेज मेजर करेगा, जीरो मिनिमम है और मैक्सिमम वी वोल्ट है ना। तो और वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो मैक्सिमम कब होगी, जब इस सर्किट में मैक्सिमम करंट पास करेगा ना, वो आई जी होगा ना, क्योंकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन गल्वेनोमीटर आई जी करंट पे शो करता है। अब यहां देखिए आप, अगर आपने ये दो पॉइंट्स ले तो अब इन दो पॉइंट्स के बीच में V किसके बराबर है,
तो आर की वैल्यू क्या आ गई, तो जब आपसे कोई पूछे कि गल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गल्वेनोमीटर। तो जो वोल्ट मीटर बनेगा उसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज रेंज है वी, उसकी वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, जो हमने सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है उसकी वैल्यू आर। तो आप देख रहे हो कि जितनी ज्यादा वोल्ट मीटर की रेंज होगी ना वी, उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब ये बात समझ आई। अच्छा, अब तो किसी भी गल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कनेक्ट कन्वर्ट करने के लिए हमें जो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है उसकी वैल्यू वोल्ट मीटर की रेंज पे डिपेंड करेगी। तो अब ये फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ना, इसको हमने डिराइव कर लिया। अब यहां देखिए आप कि जब वोल्ट मीटर बन गया तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्योंकि वोल्ट मीटर जी और आर का सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब एक बात माइंड में रखनी है कि वोल्ट मीटर को जब हम ऑप्टेन करते हैं फ्रॉम गल्वेनोमीटर, तो जो हम गल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस आर कनेक्ट करते हैं ना, उसकी वैल्यू हमेशा जी से बड़ी होगी ना। अब क्योंकि वोल्ट मीटर की अपनी रेजिस्टेंस है आर बी जी प्लस आर, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है ना, वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस से भी बड़ी होती है। इट मींस जो वोल्ट मीटर बनेगा ना उसकी रेजिस्टेंस आर से भी बड़ी होगी और आर जी से बड़ा है ना। तो अब यहां से बात को समझना है आपने कि जो वोल्ट मीटर है, जितनी ज्यादा रेंज का वोल्ट मीटर होगा आर ज्यादा होगी तो उस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, है ना। अब वोल्ट मीटर मिली वोल्ट मीटर एंड माइक्रो वोल्ट मीटर, है ना। अगर हमसे कोई पूछे कि ये तीनों है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी होगी, ना, तो यहां समझना पड़ेगा क्योंकि वोल्ट मीटर की वोल्टेज रेंज ज्यादा है तो आर ज्यादा होगी, तो आर वी भी ज्यादा होगी। गॉट इट। अच्छा, अब यहां पे एक बात और नोट करिए कि वोल्ट मीटर जो है ना, जो वोल्ट मीटर है इसकी रेंज को आप कम कर सकते हो। कैसे कि आप वी को कम कैसे कर सकते हो, कि अगर ये जो आर है ना इसके क्रॉस अगर हम स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ दें तो उसके कारण जो ए आर की इफेक्टिव वैल्यू है वो कम हो जाएगी, तो वोल्ट मीटर ऑफ स्मॉलर रेंज विल बी ऑब्टेन्ड। ये बात याद रखनी है ना। गॉट इट। तो अब जो हमने आज डिस्कस किया उसमें क्या देखा आपने कि किसी भी गल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें गल्वेनोमीटर के साथ किसी भी गल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि गल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़नी पड़ेगी। अब उस हाई रेजिस्टेंस आर की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन से आएगी, आपको ना पता होना चाहिए, और वो डिपेंड करेगी आपने जो वोल्ट मीटर ऑब्टेन करना है उसकी रेंज कितनी होगी ना, उस पर डिपेंड करेगा। अब जब वोल्ट मीटर हमारे पास बन चुका है ना, तो उस वोल्ट मीटर को हमने किस पर्पज के लिए तैयार किया, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। अब सर्किट में जिस एलिमेंट के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो उस एलिमेंट के अक्रॉस आप वोल्ट मीटर को कनेक्ट करोगे कैसे, इन पैरेलल। अब यहां देखिए कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सर्किट है ना, और इस सर्किट में हमने R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, R1 के क्रॉस इन पैरेलल वोल्ट मीटर अटैच करेंगे। अब
वोल्ट मीटर इन पैरेलल कनेक्ट क्यों किया जाता है? तो क्योंकि वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है ना, तो जब हम इसको इन पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो ये लेसर करंट ड्रॉ करेगा फ्रॉम द सर्किट, तो इट विल मेजर ऑलमोस्ट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, तो अब यहाँ पे आपने जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि आपने जब गलवेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया था, तो आपने गलवेनोमीटर के साथ ही पैरेलल स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट की थी ना, जिसको शंट बोलते हैं। और जब हमने गलवेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कनेक्ट किया, कन्वर्ट किया, तो तब हमने गलवेनोमीटर के अक्रॉस हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्ट की है ना, ये दो बातें आ गई। अब जो एमीटर तैयार हो गया, तो उसको हमने सर्किट में करंट मेजर करने के लिए कैसे जोड़ना है, वो सीरीज में जोड़ना है, और जो वोल्ट मीटर है उसको हमने सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इन पैरेलल कनेक्ट करना है। ये दो बातें हैं, तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और जो आइडियल एमीटर है वो जीरो रेजिस्टेंस डिवाइस है, जो आइडियल वोल्ट मीटर है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस डिवाइस है, और जो रियल वोल्ट मीटर है उसकी रेजिस्टेंस वेरी हाई होगी, और जो रियल एमीटर है उसकी रेजिस्टेंस लो होगी, है ना। तो ये बातें आपने भूलनी नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके ऊपर बेस्ड बात करनी है ना। अब यहाँ पे आपने क्या देखना है, समझना है कि जब आपने ना गलवेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया था, तो उसकी फिगर ऑफ मेरिट बदल गई थी ना, पर जब हम गलवेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो है वो सेम रहता है ना, तो इस कारण जो फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गलवेनोमीटर है और फिगर ऑफ मेरिट ऑफ वोल्ट मीटर है वो सेम रहती है ना, क्योंकि आईजी और नंबर ऑफ डिवीजन सेम रहेंगे, तो ये बात माइंड में रखनी है ना। सो थैंक यू वेरी मच।